हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डेली करंट अफेयर। आज 31 अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर लाए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होगा और इसको वीडियो कब पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करते हैं और आप इस वीडियो में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आप एक कॉपी भी बना लीजिए, उसमें आप लिख लिया करिएगा, ठीक है। लगभग ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप भी अपने कॉपी में डायरी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2019 का, वह दिया गया आपका बेहतरीन क्वेश्चन में से। पहला है आप सभी का, निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाली COP25 और APEC शिखर सम्मेलन के आयोजन को रद्द कर दिया गया। ये COP25 और APEC जो शिखर सम्मेलन है ये क्या है दोस्तों, और साथ ही साथ इसका जो उत्तर है पहले आप देख लें, इसका जो उत्तर है कहाँ किस शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया दोस्तों, तो ये चिली में, यह चिली में रद्द कर दिया गया है। ये देखिए COP25 और APEC शिखर सम्मेलन है क्या, तो दोस्तों देखिए चिली में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण चिली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कि ये जानिए संयुक्त राष्ट्र का जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसको हमने COP25 नाम दिया है, और इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि APEC शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी को रद्द कर दिया गया है, और यह चिली के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के सेबेस्टियन पेनेरा द्वारा मेट्रो किराए में 30%, ठीक है, 30% वृद्धि के कारण वहाँ की जनता लाखों संख्या में सड़कों पर उतर आई और राष्ट्रपति को आपातकाल भी लगा दिया, वहाँ के राष्ट्रपति ने यहाँ पर आपातकाल भी लगा दिया है चिली की। लेकिन प्रदर्शन रुक नहीं रहा है और वहाँ की जनता जो है आर्थिक सुधार और नई सरकार की मांग के लिए प्रदर्शन जोरों पर कर रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं दोस्तों, यह चिली में हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप कोप का भी अर्थ समझ लें और ये APEC दोनों का मैंने आपको बता दिया है। जो ये COP25 है यह है संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आप होने वाला था उसको रद्द किया गया है, और साथ ही साथ APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये दोनों शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया चिली देश में, ये आयोजित होने वाला था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिए, वह दिया जा रहा है आप सभी के लिए, वह है दोस्तों नेशनल, देखिए दोस्तों नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2019 के अनुसार भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970-75 की तुलना में 49.7 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई दोस्तों, तो यह हो गई है 68.7, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 68.7। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जारी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ष 1970-75, ठीक है 1970-75 में 49, ठीक है दोस्तों, ये 49.7 की तुलना में वर्ष 2012, ठीक है 2012 और 16 में 68.7 हो गई है। और इसमें देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है दोस्तों वह 17.2 वर्ष और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो दिया गया वह 67.4 बताया जा रहा है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 6.19% लोग हाइपरटेंशन से और 0.3% लोग हृदय रोग से और 0.26 लोग कैंसर पीड़ित पाए जाते हैं इस जीवन प्रत्याशा में, यही रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो जीवन प्रत्याशा के अनुसार और रिपोर्ट बताई गई है, लेकिन इसमें जो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 68.7 बढ़ के इतनी हो गई है, ठीक है दोस्तों। ये आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2019 के अनुसार जीवन प्रत्याशा बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देख लें दोस्तों, वह दिया गया है, यह है आपका कि भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला, देखिए दोस्तों यहाँ पर देश का पहला डे नाइट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा, तो यह है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट मैच होने जा रहा है, और यह कहां पर होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ईडन गार्डन में होगा। ईडन गार्डन आपका कहां है दोस्तों, वहां पर आपका कराया जाएगा। ये ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपका कोलकाता में पड़ता है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला डे नाइट टेस्ट होगा यह 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है 22 नवंबर से। इस मैच की एक और खासियत है यह है कि यह पिंक रंग की गेंद से खेला जाएगा, इस बार जो है दोस्तों यह पिंक रंग के गेंद से भी खेला जाएगा, और इसके लिए BCCI अध्यक्ष, इसमें आप समझ लें कि जो BCCI अध्यक्ष है, बी सी
सीआई अध्यक्ष जो है इसमें सौरव गांगुली है, ठीक है, आप समझ ले सौरव गांगुली जो है इसमें बीसीसीआई अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रेजेंट में बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है। और इन्होंने बताया है कि भारतीय टीम गेंद, जो पिंक वाली गेंद है, यह कंपनी जो बना रही है, यह वह एक सप्ताह में 72 गुलाबी गेंद तैयार कर लेगी, ताकि दोनों टीम को प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत ना हो। यानी कि इस बार जो है 72 पिंक गेंद आ रही है, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ खेल में भी यूज किया जाएगा, पिंक गेंद भी यूज होगा और डे नाइट मैच भी होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष भी जान ले इस बार सौरव गांगुली बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वो जो दिया जा रहा है वो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष भारत में 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों, तो यह इंदिरा गांधी की मनाई जाती है, पुण्यतिथि जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसमें है वर्ष 2019 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 35वीं, ठीक है, 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला था। इंदिरा गांधी जो हैं ये पहली बार लाल बहादुर शास्त्री कार्यकाल में सूचना प्रधानमंत्री पद संभाले थे। उसके शास्त्री जी निधन के बाद ये देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, वह देश की तीसरी प्रधानमंत्री चुनी गई थी। वह वर्ष 1971 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, यानी जो इंदिरा गांधी जी हैं 1971 में ये अपने से स्वयं ये भारत रत्न भी ले ली थी, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री रहते समय। और 31 अक्टूबर 1984 को इन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी को। ये भारत रत्न अपने काल में ही 1971 में भारत रत्न भी ले चुकी हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं प्रश्न जो है दोस्तों, वह कौन सा है, वह दिया गया है कि नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली ग्रहण की है। तो किसने उपराज्यपाल की शपथ ली है जो लद्दाख में है, इसमें कश्मीर की, जम्मू के कश्मीर के भी एक शपथ ग्रहण लिए हैं और लद्दाख में भी, तो इसमें लद्दाख का पूछा है, तो लद्दाख में जो लिए हैं वह आरके माथुर जी हैं। ये जो जीसी मुर्मू हैं ये आपके कश्मीर के हैं, ठीक है, ये लेकिन आर के माथुर इसमें पूछा है, तो लद्दाख का पूछा है, तो लद्दाख के आर के माथुर हैं। ये आर के माथुर बारे में थोड़ा सा बताऊं दोस्तों, तो ये आर के माथुर जो हैं आईएएस अधिकारी, ठीक है, ये आईएएस अधिकारी थे आर के माथुर, इनका पूरा नाम है राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईएएस अधिकारी उमंग नरूला को लद्दाख के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है। ये उमंग नरूला जो हैं उन्हें लद्दाख के उपराज्यपाल का सलाहकार भी नियुक्त किया गया है, इसे भी आप याद कर लें। उमंग मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों, देख लें, उमंग ठीक है दोस्तों, उमंग नरूला, ये नरूला जो हैं ये उपराज्यपाल के सलाहकार हैं, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है, ये भी आईएएस अधिकारी थे। इनके अलावा आईपीएस अधिकारी एसएस खंडारे, ठीक है दोस्तों, एसएस खंडारे, ठीक है दोस्तों, खंडारे को लद्दाख पुलिस आयुक्त बनाया गया है, ये लद्दाख पुलिस का प्रमुख बनाया गया है एसएस खंडारे को, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर से पृथक हो रहा है, यानी कि 31 से आपको 31 अक्टूबर यानी कि पटेल जी जयंती से ये अलग हो रहा है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर से अलग होकर, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह दिया है दोस्तों, वह दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ये पटेल जी की जयंती पे मनाया जाता है, तो ये जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है जो 182 फीट का है, ये आपका गुजरात में बनाया गया, इससे भी आप थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है इसी अवसर पर जो है इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 370 की जो धारा हटी है कश्मीर का, वह भी पटेल जी के ही नाम पे समर्पित किया गया है, ठीक है, रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी इसी के तहत इस बार आयोजित किया जा रहा है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं दोस्तों, वह दिया जा रहा है, वह हाल ही में किस राज्य के लोकनृत्य, ठीक है, लोकनृत्य भवोना, ठीक है, देखिए भवोना ये से आप देख लें यहाँ पर लिखा गया है, भवोना के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन आबू धाबी में किया गया है। तो किस राज्य के लोकनृत्य भवोना जो अंग्रेजी संस्करण का आयोजन है वो आबू धाबी में किया गया है, तो ये कहाँ की, असम, ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा असम, ठीक है, असम संस्करण में आबू धाबी में आयोजित किया गया है। ये जो है इसके बारे में बता थोड़ा सा दोस्तों, भवोना जो है असम का जो पारंपरिक लोकनृत्य है जिसकी शुरुआत जो है यह लगभग 500, ठीक है दोस्तों, 500 वर्ष पूर्व मानी जाती है, 500 वर्ष पूर्व यह मानी जाती है भवोना नृत्य की, ठीक है दोस्तों। इस नृत्य में जो कलाकार होते हैं वह संवादों
गीतों और नृत्यों द्वारा इस पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। यह किसी न किसी पौराणिक कथा पर आधारित होता है। असम का माजुली क्षेत्र बाओना का केंद्र माना जाता है। कहाँ का, कौन सा दोस्तों जगह दोस्तों? असम का माजुली, ठीक है, माजुली जो क्षेत्र है ये असम का है, ठीक है दोस्तों, ये केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, उसको देख देते हैं दोस्तों। और इस नृत्य को दोस्तों पहली बार अंग्रेजी में आबू धाबी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं। वह दिया गया है कि हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता ने नॉर्डिक परिषद का पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। तो किसने इनकार किया है दोस्तों? तो यह है दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने नॉर्डिक परिषद का पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं दोस्तों कि ग्रेटा थनबर्ग जो हैं ने नॉर्डिक परिषद द्वारा दिए जाने वाले पर्यावरण पुरस्कार को यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि जलवायु अभियान की आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता में बैठे लोग पुरस्कार देने के बजाय विज्ञान का अनुसरण प्रारंभ करें। उनका कहना है कि जो विज्ञान का अनुसरण प्रारंभ करें बल्कि न कि पुरस्कार दें, ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत जो है दोस्तों इनको $52,000, ठीक है, $52,000 की जो है राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। और थनबर्ग ने नॉर्डिक परिषद का आभार व्यक्त करते हुए इसे लेने से मना कर दिया है। इसे आपको याद रखना होगा कि ग्रेटा थनबर्ग ने इसे लेने से मना कर दिया है। इसकी राशि जो है $52,000 है और इन्होंने अनुसरण करने की बात पर जोर दिया है, ठीक है। और यह स्वीडन की नागरिकता ग्रेटा फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान चला रही हैं। ये जो है स्वीडन की नागरिक ग्रेटा फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान भी चला रही हैं इस समय। तो इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं दोस्तों। वह दिया गया है कि अरब सागर में उठे चक्रवात का क्या नाम है जिसके लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की गई है। ये कौन सा चक्रवात है दोस्तों जो अरब सागर से उठ रहे हैं, लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की जा रही है? तो ये है MAHA, ठीक है, MAHA। तो MAHA क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा, यह भारत मौसम विज्ञान द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि अरब सागर में बना हवा का गहरा दबाव चक्रवात यानी कि महा में तब्दील हो गया है। तूफान महा को लेकर लक्षद्वीप, ठीक है, तूफान महा को लेकर लक्षद्वीप के में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें जो लक्षद्वीप में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है महा चक्रवात को लेकर। लक्षद्वीप के साथ ही इसके जो सटे राज्य हैं केरल के 6 जिले भी इस तूफान से प्रभावित होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जो महा है इसमें लक्षद्वीप के साथ साथ केरल से भी 6 जिले घोषित किए गए हैं कि यहाँ से भी इस प्रलय को आ सकता है, ठीक है। तो इसे आप याद कर लें कि कौन सा ये महा है जो अरब सागर से उठने के बाद लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, इसको आप देख लें, ये क्रिकेट संबंधित है। अगर आप इसे देखते हैं आप इसको कमेंट्स बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दें, मैं इसका उत्तर भी बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मानसिक अस्वस्थता के चलते खेल से अनिश्चितकालीन के लिए ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो किसने लिया है दोस्तों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया आप कमेंट्स में कर लें, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं इसका उत्तर बताने चल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी डेली वीडियो देखने के लिए लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये अनिश्चितकालीन के लिए ग्रेन मैक्सवेल ने अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। अब इनके बारे में बता देता हूँ, जो ग्रेन मैक्सवेल हैं दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ऑलराउंडर ग्रेन मैक्सवेल ने मानसिक अस्वस्थता के चलते अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर माइकल डायट ने एक बयान में जारी किया है कि ग्लेन मैक्सवेल अपने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसके चलते उन्हें खेल से दूर रहना पड़ेगा। और मैक्सवेल की जगह अब बाएं हाथ के जो विस्फोट बल्लेबाज आए हैं वह है DR की साल्ट, ठीक है दोस्तों, DR की साल्ट को इसके जगह शामिल किया गया ग्लेन मैक्सवेल की जगह। लेकिन आपको यही याद रखना है कि अनिश्चितकालीन के लिए ब्रेक की घोषणा किसने किया है? तो ग्लेन मैक्सवेल ने किया है जो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।